भारतीय किसान संघ की तरफ से क्षेत्रीय बीज आयाम बैठक सरस्वती कुंड स्थित केशव भवन कार्यालय में की गई बैठक में स्वदेशी बीज के उत्पादन चयन संकल्प तथा संरक्षण पर गहन चर्चा हुई। किसान संघ के पदाधिकारी में जानकारी अभी की विदेशी कंपनियों के बीज का उपयोग करने से किसान इन विदेशी कंपनियों के चुंगल में फंस चुका है। किसान बीज के लिए किसी पर निर्भर ना हो, वे अपने लिए स्वयं बीज का उत्पादन व संरक्षण करे। सिर्फ फसलों के ही नहीं बल्कि जानवरों की नस्लों को बचाने पर चर्चा की गई। भारतीय किसान संघ के शिवकांत दीक्षित, कृष्ण मुरारी, राज सिंह चौहान, पवन प्रताप सिंह, सुरेंद्र सिंह, प्रेम सिंह कुंतल आदि उपस्थित रहे। भारतीय किसान संघ ने जिस प्रकार से बीज को नई दिशा दी है, बीज उत्थान की बात कर रहे हैं, उस विषय में हमारे साथ इनके पदाधिकारी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से जो संरक्षित बीजों हैं उससे खेती कर किसान लाभ कमा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण मुरारी, भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी में बीज प्रमुख का दायित्व रहता है। मेरा केंद्र पंजाब में बठिंडा है और अभी सारे देश भर में एक प्रवास चल रहा है कि सभी प्रांतों पर जो प्रांत के प्रमुख हैं उन लोगों को बीज आयाम के बारे में जागरूक करते हुए आगे उनके प्रांतों में इसी प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग लगे हैं, जिसमें नीचे के ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता आकर के बीज का प्रशिक्षण लेकर के और परंपरागत बीजों से परंपरागत खेती वो करना शुरू करें ताकि उनकी खेती लाभकारी हो। इस दृष्टि से आज का अभ्यास वर्ग यहाँ का था। ऐसा सारे देश भर में चल रहा है। अभी 7 तारीख को पठानकोट में था उत्तर भारत का, 2 तारीख को दक्षिण भारत का बेंगलोर में था, अभी इटारसी में जाने पर वहाँ पर मध्य क्षेत्र महाराष्ट्र गुजरात उनका भी वहाँ होने वाला है। ऐसे सर, अभी मथुरा में ऐसे कोई किसान आपके नॉलेज में है जो पारंपरिक खेती कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। वो जानकारी तो हमारे हर साथी बताएंगे यहाँ के बारे में। बाकी आप किसानों को थोड़ा जागरूक करें किस प्रकार वो इस तरह के बीजों के साथ अपनी खेती को पूर्ण मुनाफे के साथ कर सकते हैं। यह हमारा प्रयत्न रहता है। हमारा प्रशिक्षण केंद्र जो कोटा का है वो प्रत्यक्ष वहाँ देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है। वहाँ पर सब प्रकार के बीज है, बीज बैंक है हमारा, और उत्पादन हमारा अधिक आता है, इसके सबूत है। वहाँ पर हर चीज़ का उत्पादन हमारा ज़्यादा आता है। आज ये नैरेटिव सेट कर दिया कंपनियों ने कि उपज जैविक करने पर कम होती है, इसको हम झुठलाते हैं और उपज उसकी ज़्यादा आती है, ये हम वहाँ पर बताते हैं। आपसे किसान किस प्रकार संपर्क कर सकता है उसके बारे में जानकारी? हमारी पद्धति तो वैसे संगठनात्मक है। संगठनात्मक दृष्टि से जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं उसी में वो आकर के सीख सकते हैं, क्योंकि हम निरंतर बदलते स्थान पर प्रवास में रहते हैं तो जब प्रशिक्षण होता है तब वहाँ पर जाते हैं। ऐसा ही होगा। आपके क्षेत्रीय कार्यालयों पर किसान आकर उन चीज़ों की जानकारी लेते हैं, सीखते हैं। मेरा नाम राज सिंह है, उत्तर प्रदेश में महामंत्री का दायित्व मुझे है। तो क्षेत्रीय बीज आयाम बैठक में आज क्या मुख्य चर्चा रही? अपनी क्षेत्रीय आयाम बैठक में चर्चा रही बीज का विषय ही अपना मुख्य चर्चा है। इसमें लागत अधिक किसान की हो रही है, वो लागत किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर कम हो सकती है, जैसे बीज कंपनियों का है, बीज कंपनी 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए किलो के बीज के रेट हो गए हैं और हम किस प्रकार से उन्हें कम कर सकती हैं अपने लागत को, ये भी चर्चा हमारी इस बैठक में रही और इस चर्चा को अपने विकासखंड ग्राम समिति तक पहुँचाने का लक्ष्य भी रखा गया। आगे आप लोगों को इस विषय में क्या रणनीतियाँ रहेंगी, किस प्रकार आप लाभ पहुँचा पाएंगे? आने वाले समय में अभी हम अपने सदस्यता का एक अभियान चलने वाला है इस वर्ष का हमारा, इसी के साथ साथ कार्यक्रम के साथ साथ ही इन सब चीज़ों को अपने किसानों तक पहुंचाकर और इसका लाभ दिलाने की बात करेंगे। जब तक ये चर्चा का विषय नीचे व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकता तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहला काम है हमारा जागरण करना किसानों तक, जो किसानों के पास बीज स्वयं भी है उसके पास, उसे जानकारी नहीं हो पा रहा तेरे पास क्या अमूल्य चीज़ रखी हुई है, उसे भी ध्यान में नहीं आ रहा, उसको ध्यान दिलाना है। क्यों, जैसा भाई साहब ने भी बताया कि नैरेटिव सेट कर दिया है कि बीज इसी प्रकार होएगा, तो भारतीय किसान संघ अभी यही प्रयास कर रहा है कि उस नैरेटिव को ख़त्म करके जो सही नैरेटिव हुआ अपना पुरातन कृषि का नैरेटिव था उसे नई पद्धति के अंदर, आधुनिक पद्धति के अंदर किस प्रकार से कर सकते हैं, वह भारतीय किसान संघ का लक्ष्य है। आज भारतीय किसान संघ क्षेत्रीय बीज आयाम बैठक रखी गई, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, किन किन विषयों पर चर्चा हुई? आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है अपने किसानों को जागृत करना कि 50-60 साल पहले सब किसानों के पास अपने खुद के बीज होते थे, लेकिन आज किसान
ये विदेशी कंपनियों की साजिश के तहत विदेशी कंपनियों पर बीज पर निर्भर होते जा रहे हैं और विदेशी कंपनियां मॉडिफाई कर करके हाइब्रिड बीज ऐसे बनाती जा रही हैं कि जो अगली बार अंकुरित ना हो और उन्हीं से बीज खरीदना पड़े, किसान अपना खुद का बीज नहीं रख पाता है और फिर उन कंपनियों ने अपने बीजों की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, कई कई लाख रुपए किलो तक के बीज हैं, 15 लाख रुपए किलो तक के बीज हैं, तो किसान कैसे खेती करेगा और कैसे लाभकारी खेती होगी। तो हम किसानों को इस बारे में प्रशिक्षण कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं कि अपने स्वदेशी किस्मों को फिर से संरक्षित करें और अपना बीज पर खुद के स्वयं पर निर्भर रहें, न कि विदेशी कंपनियों के चंगुल में फंस जाएं। ये मुख्य बात रही, सिर्फ फसलों के बीज की बात नहीं, इसमें पालतू जानवरों के बीज की भी बात है, जैसे गाय, बकरी, घोड़ी, घोड़ा, भैंस, सभी की। तो अब इस पे आप किस तरह से जन जागृति करेंगे, कैसे पहुंचेंगे? हमारा बहुत बड़ा संगठन है, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में, हर गांव में हमारी ग्राम पंचायतें समितियां हैं, जिसमें बहुत सारे ग्रामीण किसान सदस्य हैं और हमारी स्तर के अनुसार बैठक होती हैं और ये सारी सूचनाएं हर स्तर पर पहुंचाई जाती हैं और सारे किसान इस बारे में पढ़ते भी हैं, लीफलेट भी दी जाती हैं और बैठक भी की जाती हैं और इस बात को समझते जा रहे हैं कि हमें ये विदेशी कंपनियों के चंगुल से निकलकर अपने खुद के बीजों को संरक्षित करना है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, मथुरा में ही रहता हूँ और मैं जैविक किसान, जैविक प्रमुख हूँ मथुरा जिले का, महानगर का, भारतीय किसान संघ का आयोजित की गई आज मथुरा नगर क्षेत्र में। मेरे साथ भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी बैठे हुए हैं जो कुछ विषयों पर अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम शिवकांत दीक्षित है और मैं भारतीय किसान संघ का उत्तर प्रदेश का संगठन मंत्री हूं। आज मथुरा प्रवास पर यहां आने पर मुझे पता चला है कि आज छाता में, जो हमारी और इस क्षेत्र के किसानों की बहुत प्रतीक्षित मांग थी कि यहां की जो छाता मिल है, शुगर मिल, उसका भूमि पूजन हो और केवल भूमि पूजन न हो, वित्त में राशि का सैंक्शन होकर के अतिशीघ्र इस मिल का काम प्रारंभ हो, जिससे क्षेत्र में जो पहले गन्ना होता था और किसान उससे लाभ कमाता था, वो पुनः खेतों में गन्ना की फसल ले लाए और यहाँ का किसान आर्थिक रूप से सुखी समृद्ध हो। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और साथ ही साथ इस क्षेत्र के किसानों को बताना चाहूँगा कि आज से ठीक 1.5-2 साल पहले हमने छाता SDM कार्यालय पर बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके मांग की थी। प्रशासन शासन स्तर पर भी हम मिले थे इस कार्यवाही के लिए। आज के भूमि पूजन के लिए मैं इस क्षेत्र के किसानों की और किसान संघ की विजय मानता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं। एक मुद्दा तो ये छाता शुगर मिल का है, दूसरा एक मुद्दा किसान संघ की मांग तो थी पर सरकार की घोषणा को लेकर के करता हूं। विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारी सरकार यदि दोबारा बनती है तो हम किसानों के जो निजी नलकूप हैं इसका बिल माफ़ कर देंगे, यानी किसानों को बिजली फ्री देंगे। घोषणा के बाद लगातार हम ज्ञापन देते रहे और इस बार तो उन्होंने फरवरी का जो उनका बजट सत्र था विधानसभा का, उस बजट सत्र में योगी जी ने कहा कि हमने ये तय कर लिया है और किसानों को 1 अप्रैल के बाद से जिन किसानों का निजी नलकूप का बिजली का बल ड्यू नहीं है, जिनका कोई शेष नहीं है, वो इस योजना के 1 अप्रैल से लाभकारी होंगे और जिन किसानों का ड्यू है उनको समाधान योजना के अंतर्गत जुलाई के बाद समाधान योजना लाएंगे और सभी किसानों को इस योजना से लाभान्वित करेंगे। हमारा मुख्यमंत्री जी से कहना है कि चुनावी घोषणा एक अलग बात होती है पर आप तो वादे के पक्के हैं, आप तो बात के पक्के, ऐसे मुख्यमंत्री आप हैं। आपने विधानसभा में भी इस बात को बोल दिया है, बजट में भी वो बात चली गई है, लेकिन अभी जियो सरकार का नहीं निकला है और इसलिए किसान बहुत चिंतित है और शंकित है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बोला है वो 1 अप्रैल से लागू होगा कि नहीं होगा। एक तरफ मुख्यमंत्री समाधान योजना के विषय को निर्णय कर चुके हैं कि जुलाई के बाद समाधान योजना जो ड्यू है उनका शुरू कर देंगे। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि अतिशीघ्र जियो निकाल करके जो किसान चिंतित है आपकी इस घोषणा को, आपके वचन को पूरा होने के लिए, उसको अतिशीघ्र करें और पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों को आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा मुख्यमंत्री जी की विधानसभा की घोषणाएँ
कोई भी किसान अपने निजी नलकूप का 1 अप्रैल के बाद का बिल नहीं भरेगा, क्योंकि ये घोषणा मुख्यमंत्री की है। तो मुख्यमंत्री के वचन को पूरा कराने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, तो किसान इस बिल को नहीं भरेगा। मुख्यमंत्री अतिशीघ्र इसको जियो निकाल के योजना का क्रियान्वयन करें। और एक तीसरा हमारा विषय है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी और सभी दूर की राज्य सरकारें गौ आधारित जैविक कृषि को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सब दूर विभिन्न प्रकार के मेले लग रहे हैं, किसानों का प्रशिक्षण चल रहा है। मेरा इस देश के प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहना है कि जब आप ये चाहते हो कि इस प्रकार की खेती का बढ़ावा हो, देश और समाज स्वस्थ हो, देश से कुपोषण खत्म हो, तो जिस प्रकार से आप रासायनिक खेती पर, DAP पर, यूरिया पर 3,40,000 करोड़ की जो आप सब्सिडी देते हो, 3.4 करोड़ की जो सब्सिडी देते हो, वो सब्सिडी रासायनिक खाद को बढ़ावा देने के लिए दे रहे हैं 3,00,000 करोड़ की, तो वो सब्सिडी जो किसान जैविक खाद करना चाह रहा है, जैविक खेती करता है, उसको भी तो आप प्रोत्साहन कुछ करिए, जिससे उसके अंदर एक उत्साह पैदा हो, उसको आप प्रोत्साहन करिए, उसको आप प्रोत्साहित करिए। और जैविक खेती करने का जो प्रमाणीकरण है वो इतना टिपिकल है, उसका एक सरलीकरण करिए और उसकी कोई फीस ना लेकर के निःशुल्क प्रमाणीकरण जिला मुख्यालय पर हो, तो जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं किसानों की आर्थिक उन्नति का, गौ आधारित जैविक खेती का, वो भी पूरा होगा। तो जिस तरह पारंपरिक खेती की हम बात कर रहे हैं, उसको बढ़ावा देने की बात, तो आप किसानों को क्या सुझाव देंगे? हम किसानों को सुझाव देंगे कि थोड़ा किसान को लगता है कि अब जैविक खेती करेंगे तो कोई कम तो नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम प्रयोग कर चुके हैं। मैं किसानों से प्रारंभिक उससे कहूँगा कि कम से कम अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, न्यूनतम अपने परिवार के लिए तो करना प्रारंभ करें। और सरकार को भी इसके साथ साथ कहेंगे कि चाहते हैं कि किसान ये करे तो हर जिला मुख्यालय पर एक जैविक हाट यानी जैविक मंडी होनी चाहिए, जहाँ पर किसान अपना उत्पादन सीधा आकर के बेच सके। अगर इस प्रकार का समन्वय बिठा कर के योजना बनती है, हर जिला मुख्यालय पर जैविक हाट, किसानों को अनुदान या प्रोत्साहन के रूप में कुछ दिया जाता है वो, और जैविक खेती बढ़ावा देने के लिए प्रमाणीकरण का सरलीकरण निःशुल्क होता है, और मुख्यालय पर हाट, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का, और किसान मेहनत करके पूरे देश को स्वस्थ रखने के लिए जैविक अन्न पैदा करेगा। मंत्री, भारतीय किसान संघ केंद्र आगरा। क्षेत्रीय बीज आयाम बैठक में आज क्या मुख्य चर्चाएं रही, आपका क्या सहयोग? क्षेत्रीय बीज आयाम प्रमुख बैठक में 10 प्रांतों के लोग यहाँ उपस्थित हुए, और हमारे जो परंपरागत बीज थे, महाभारत के काल में भी धान की 6,254 प्रजातियाँ थीं, और इन्हीं को उन्हें जो हमारी परंपरागत बीज थे उनको किसान पहले सजो कर रखता था, तो आज उस पर चर्चा हमारे अखिल भारतीय बीज प्रमुख जी ने की। गौ गीता गंगा तुलसी गौरी, इन पांचों की रक्षा करने का काम ये देश के किसान का है और रहेगा, और यदि जैविक खेती होगी, जब हमारे परंपरागत बीजों के आधार पर खेती होगी, तो ज़मीन के अंदर जो आज पानी सोखने की एक लेयर बनती चली जा रही है, उसमें भी, क्योंकि जो कंपनी बीज दे रही है आज, वो कंपनी उसी के बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयां भी दे रही है, तो इससे समाज के अंदर जो जहर मुक्त खेती हो रही है, और भारतीय किसान संघ का दावा है कि जहर मुक्त खेती हो, और जो जहर युक्त खेती होती चली जा रही है देश के अंदर, समाज के अंदर, और समाज के अंदर तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं, तो इस सब के निमित्त आज हमारे अखिल भारतीय बीज प्रमुख जी ने हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, 10 प्रांतों के कार्यकर्ताओं के लिए, नीचे से ऊपर तक पूरी जानकारी के देते हुए, और भारतीय किसान संघ की सबसे छोटी इकाई है ग्राम समिति, ग्राम समिति के माध्यम से, ब्लॉक समितियों के माध्यम से आगामी प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के आगे आश्वस्त किया है आपने, और आगामी प्रशिक्षण होते हैं। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा, अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है।
टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात।